अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है। शांति स्वीट्स एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है और बिजनेस यूनिट है, और ये अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए दो किस्म के बॉक्सेस का ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स, दो बॉक्सेस, दो किस्म के जो बॉक्सेस है जिनमें अपनी मिठाइयां पैक करते हैं, इनका ऑर्डर देते हैं। और ये मानिए ये दूसरा बॉक्स है, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बड़ा बॉक्स है उसके जो डायमेंशंस है दे आर 25x20x5, और जो छोटा बॉक्स है उसके डायमेंशन 15x12x5 सेंटीमीटर। और चूंकि इन बॉक्सेस को यहां पर ओवरलैप करना होता है, देखिए भाई यहां की जो सरफेस और यहां की सरफेस ये कहीं पर बंद होती है ना, तो वहां पर ओवरलैपिंग करने के लिए जो इन दो बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड इसमें लगता है। ठीक है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कीमत है वो ₹4 है, तो हमें बताना है कि इस पूरा जो ऑर्डर है इस पर इसकी कीमत कितनी बनी। ठीक है, देखिए दो तरह के बॉक्सेस है, एक है बड़ा बॉक्स और एक है छोटा बॉक्स। तो हम इस तरह देखेंगे डायमेंशंस ऑफ द लार्ज बॉक्सेस। देखिए बेटा, जो बड़े बॉक्सेस है उनका डायमेंशन दैट इज गिवन टू बी 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट। ठीक है, तो बेटा हम देखेंगे जो बड़ा बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया कितना बने। देयरफॉर TSE यानी टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, इट इक्वल्स 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है ना, विच इक्वल्स टू 2 इंटू, अब देखिए बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ इज 25 इंटू ब्रेड्थ इज 20, देन 20 इंटू हाइट इज 5, देन 5 इंटू लेंथ इज 25, और चौड़ाई बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी, इस तरह आप इसको फिक्स में करता हूं। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू 0 इज 0, 25 इंटू 2 इज 50, ये बनेगा 500 प्लस 5 इंटू 20 इज 5 0 जार 0, 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25 कैरी आ गए 1, 5 2 जार 10 और 2 हो गए 12, 120, और इक्वल्स 2 इंटू 500 प्लस 100 इज 600 प्लस 100 इज 700, तो ये बनेगा 725, और विच इज इक्वल्स 2 5 जार 10 कैरी आ गए 1, 2 2s are 4 plus 1 is 5 and 2 sums are 14। तो जो बड़े बॉक्सेस है उनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 1450 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो छोटे बॉक्सेस है। अच्छा ठीक है, देखिए मैं इसी तरह के पहले हम इस पर और बात करें। ये जो बड़े बॉक्सेस है इनका जो ऑर्डर उन्होंने दिया है इट इज 250 बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है। तो देखिए एक बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स का। तो हम देखेंगे जो फिर जो 250 बॉक्सेस होंगे उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए इस तरह के 250 बॉक्सेस का ऑर्डर देते हैं, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा।
So therefore, total surface area of 250 boxes, it will be equal to 1450 into 250. ठीक है जी, देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 250 में एक जीरो है ये लिखेंगे, 1450 में भी एक जीरो है ये भी लिखेंगे, अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 हो गए 125, कितने हो गए 125, 125 में से हम 5 लिखेंगे 12 आएगा कैरी, 25 इंटू 4 इज 100, 112 हो गए 112 में से 2 लिखेंगे 11 आएगा कैरी, 25 वन जा 25, 25 और 11 कितने हो गए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा जो बड़े बॉक्सेस है 250 जो बड़े बॉक्सेस है उनका टोटल सरफेस एरिया होगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आएंगे जो छोटे बॉक्सेस है उनके डायमेंशन ऑल्सो डायमेंशंस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। जो छोटे बॉक्सेस हैं उनका जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है, इट इज 15 इंटू 12 इंटू 5, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ मानिए, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो बेटा हम इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालें, ठीक है ना, तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, तो देयरफॉर जो इसका टोटल सरफेस एरिया टीएससी दैट विल बी ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ठीक है, शाबाश। विच इक्वल्स टू ट्वाइस, अब देखिए लेंथ कितनी है इसकी 15, ब्रेड्थ इज 12, देन प्लस 12 इंटू हाइट इज 5, देन प्लस 5 इंटू लेंथ इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इक्वल्स टू इंटू 15 टू जार 30 कैरी आ गए, 3 15 15 और 3 हो गए 18। ठीक है जी, प्लस 12 5 जार 60 प्लस 15 5 जार 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इक्वल इज टू इंटू 5 प्लस 0 इज 5 प्लस 0 इज 5, 7 प्लस 6 इज 13, 13 प्लस 7 इज 20 प्लस 1 इज 21 कैरी आ गए 2, 1 और कैरी 2 हो गई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इट इक्वल टू 5 आर 10 कैरी आ गए 1, 2 1 आर 2 प्लस 1 इज 3, 2 3 आर 6। तो बेटा जो छोटे बॉक्सेस है उनमें से एक बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे इसी तरह के 250 बॉक्स, देखिए इसमें भी 250 बॉक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, जो छोटे बॉक्सेस है उनमें भी 250 बॉक्सेस का ऑर्डर दिया हुआ है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ये कितना बनेगा, इट विल बी 630 इंटू 250, इनको मल्टीप्लाई करिए, यहां पर एक जीरो है, यहां पर एक जीरो है, हो गए दो जीरो, 25 इंटू 3 इज 75 कैरी आ गई 7, 25 इंटू 6 इज 150 और 7 हो गए 157। तो बेटा जो छोटे बॉक्सेस है उनका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे जो दो किस्म के बॉक्सेस है उनका टोटल सरफेस एरिया, हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू काइंड्स ऑफ बॉक्सेस। अब हमारे पास दो किस्म के बॉक्सेस है, एक तो छोटे और एक बड़े,
इन दोनों का जो कुल मिलाकर टोटल सरफेस एरिया वो कितना बने? देखिए जो बड़े बॉक्सेस है उनका टोटल सरफेस एरिया था 3,62,500, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका निकला 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर दीजिए कितना बनेगा, यहां दो जीरो और यहां दो जीरो, पहले जीरो आएंगे, 5 + 5 = 10 कैरी आ गए 1, 7 + 2 = 9 कैरी 1 हो गई 10, ठीक है जी, 5 + कैरी 1 = 6 + 6 = 12 कैरी आ गई 1, 3 + 1 = 4 हो गई 5, तो ये बनेगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? इन दो बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन कहता है कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में इस टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा लगता है, टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा लगता है। अब देखेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग, मटेरियल यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग इज इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉक्स, दैट इज 55,20,000, ठीक है ना। 5% मीन्स 5/100 इंटू 5,20,000। देखिए बेटा 100 के दो जीरो और यहां के दो जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, इट इज इक्वल टू, अब फिर यहां पर चलिए इट इज इक्वल टू 5 × 5,200 विच इज इक्वल, पहले ये दो जीरो लिखेंगे, देन 5 × 2 = 10 कैरी आ गए 1, 5 × 5 = 25 और 1 हो गए 26, तो ओवरलैपिंग में लगेंगे 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर जो नेट कार्डबोर्ड यूज्ड, देयरफॉर जो टोटल कुल मिलाकर कार्डबोर्ड इसमें यूज हुआ है, देयरफॉर एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड यूज्ड, तो ये बॉक्सेस बनाने में जो कुल कार्डबोर्ड यूज हुआ वो कितना होगा, वो होगा एक तो ये 5,20,000, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इनका ऐड कर दीजिए, यहां तीन जीरो है, इन तीन जीरो के साथ ऐड करेंगे तो ये जीरो ही बनेंगे। अब यहां ये 5,20,000, इसमें चार जीरो आएंगे, ठीक है, इट इज 5,20,000 और यह है 26,000, तो इन तीन जीरोस को इन तीन जीरोस के साथ ऐड कर देंगे तो जीरो ही बनेगा। अब यहां पर चौथा डिजिट 6 है, यहां पर चौथा डिजिट 0 है, तो ये 6 + 0 = 6 ही बनेगा, ठीक है। देन यहां पर जो फिफ्थ डिजिट है वो 2 है और यहां पर फिफ्थ डिजिट 2 है, 2 + 2 = 4 एंड देन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेट कार्डबोर्ड जो इन दो किस्म के बॉक्सेस बनाने में लग गए, दैट इज 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर उनका एरिया होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत ₹4। अब बेटा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर उनकी कीमत कितनी है? नाउ कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी बनती है? ₹4। अब बताइए कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल देन ₹4/1000, है ना। अब हमें कितने का कॉस्ट निकालना है? 5,46,000, है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4/1000 इंटू 5,46,000, ठीक है ना। देखिए भाई 1000 के तीन जीरोज और इसके तीन जीरोज आप कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा 4 × ₹4 × 546
6, which is equal to 4 6 are 24 carry away 2, 4 4 are 16 or 2 होगे 18 carry away 1, 4 5 are 20 और 1 होगे 21। तो बेटा ये जो कार्डबोर्ड है इसकी या जो दो किस्म के बॉक्सेस है इनकी जो नेट प्राइस है वो बनेगी रुपीज 2184। ठीक है, शाबाश। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप ये खुद करोगे, बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन है वो अपनी गाड़ी के लिए एक शेल्टर या गैराज बनाना चाहती है टेम्पररी यूजिंग सम टारपुलिन। ठीक है, तो देखिए बेटा वो टारपुलिन कहां पर यूज करेगी, वो एक तो चार साइड्स बंद कर देगी और ऊपर वाला साइड बंद कर देगी, एक साइड वो खुला ही रखेगी, नीचे वाला साइड जहां पर गाड़ी रहेगी वो खुला रहेगी, वहां पर टारपुलिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक माने एक शेड बनाएगी जिसमें सिर्फ 5 सरफेसेस वो कवर कर देगी। ठीक है ना जी। जी, ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार, अज्यूमिंग दैट द सिटिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड हाउ मेनी रिक्वायर्ड and therefore the negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 with base dimension 4 into 3। देखिए यहां पर हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वी हैव गिवन बेस डायमेंशन, बेस डायमेंशन हमें शेड का दिया हुआ है, इट इज गिवन टू बी 4 मीटर इंटू 3 मीटर, और हमें दिया है इसकी हाइट, इसकी हाइट है 2.5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। देखिए बेटा इसको टारपुलिन लगाना है 5 साइड्स में। ठीक है, एक तो जो 4 वॉल्स है वो ये कवर करेगी और ऊपर जो छत है वो कवर करेगी, तो 5 ही साइड्स को कवर करनी है, 5 ही साइड्स में इसको टारपुलिन लगानी है। नीचे जो 6 साइड है वहां गाड़ी रहेगी, वहां टारपुलिन लगाने की जरूरत नहीं। तो हमें क्या करना है जी, हाउ मच टारपुलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ टारपुलिन यूज्ड इज कॉल्ड, एरिया ऑफ टारपुलिन यूज, देखिए बेटा ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, बेस नहीं, क्योंकि यहां पर जो बेस है बेस में टारपुलिन नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ टॉप, जो टॉप होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, उसका जो एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, या आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर निकालेंगे एरिया बेस दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर वो भी आप कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब बेटा देखिए जो डायमेंशन ऑफ बेस है दैट इज 4 इंटू 3, दैट मीन ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, सो इट इज 2 इंटू, लेंथ इज 4, ब्रेड्थ इज 3, सो इट इज 4 प्लस 3 इंटू हाइट, हाइट इज गिवन टू बी 2.5, देन प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गए 4 इंटू 3। ठीक है, इट इक्वल इज 2 इंटू, 4 प्लस 3 हो गए 7 इंटू 2.5 प्लस 4 3 12। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7 हो गए 14, देखिए 2 और 7 को मल्टीप्लाई करिए हो गए 14 5 70, 2 7 14 14 5 70, 0 लिखेंगे 7 आ गया कैरी, 14 2 हो गए 28 28 और 7 हो गए 35, डेसिमल आएगा एक के बाद तो ये बनेगा 35 प्लस 12, 35 और 12 कितने हो गए 2 प्लस 5 इज 7,
एंड 3+1 इज 4। तो एरिया ऑफ टॉर्पलिन, जो इसमें टॉर्पलिन यूज होगा उसका एरिया होगा 47, सॉरी नॉट सेंटीमीटर बट मीटर स्क्वायर, इसका एरिया होगा 47 मीटर स्क्वायर। लिहाजा इसमें जो टॉर्पलिन लगेगा इसका एरिया होगा 47 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होगी, कल हम एक और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक आप वीडियो देखिए, मेहनत करिए, अल्लाह हाफिज़।